मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रदेश में कोरोना से मौतों पर लगाम नहीं लग पा रही है। नए संक्रमित मरीजों की संख्या में भले ही कमी आ गई हो, लेकिन लगातार होती मौतों से तीसरी लहर में राहत नहीं है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में बीते 24 घंटों के दौरान 16 मरीजों की मौत हुई है और बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 3479 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। और सबसे राहत भरी बात यह है कि बीते 24 घंटों के दौरान 7354 मरीज ठीक हुए हैं। अगली बड़ी अपडेट पर नजर डालूं उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरी आवाज में थोड़ा सा बदलाव आपको पिछले दो दिनों से जरूर दिखाई दे रहा होगा। इसका कारण यह है कि पहले दिन तो मैं नागौर में किसी रिश्तेदारी में था और अब आज ससुराल में हूं, तो आपको पता ही है ज्यादा जोर नहीं लगा सकता। फिर भी आपको समय समय पर बड़ी अपडेट्स और बड़ी खबरें देने की कोशिश कर रहा हूं। खैर चलिए धीरे से अगली बड़ी अपडेट पर नजर डालते हैं। रीट लेवल द्वितीय की परीक्षा रद्द होने के बाद भी बेरोजगारों का आक्रोश कम नहीं हुआ है। बेरोजगारों ने सरकार के फैसले पर कई सवाल उठाए हैं। बेरोजगारों का कहना है कि सरकार ने 32,000 तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की आवेदन प्रक्रिया जारी रखी है। अंतिम तिथि भी 9 फरवरी को होने की वजह से ज्यादा बेरोजगारों के आवेदन कर दिए हैं। अब सरकार ने रीट द्वितीय लेवल की परीक्षा रद्द कर नए सिरे से परीक्षा कराने का ऐलान किया है। ऐसे में सरकार को रीट के साथ भर्ती का शुल्क लौटाना चाहिए। कई बेरोजगार संगठन की ओर से रीट 2022 में फीस नहीं लेने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। अगली बड़ी खबर धौलपुर जिले से आ रही है। भले ही गहलोत सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन बिजली बिल नहीं चुकाने वाले 5 गाँव के ट्रांसफार्मर उतार दिए गए। यही नहीं, 5 गांव से लाखों का जुर्माना भी वसूला गया। सेपो उपखंड में विद्युत निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। एक और बड़ी खबर, पांचवी बोर्ड की परीक्षा की डेट फाइनल हो गई है। 10 फरवरी से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। 5 मार्च इसकी लास्ट डेट होगी। सरकारी स्कूल साला दर्पण पोर्टल से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। एक और बड़ी खबर, आज से बजट सत्र का आगाज होगा। 15वीं विधानसभा का 7वां सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सोखा व्यक्ति भी होगी। इसके बाद कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी। स्पीकर जोशी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। 23 फरवरी को प्रदेश का बजट आ सकता है। आपको बता दो, इस बार पहली बार कृषि के लिए अलग से बजट पेश होगा, जिसमें किसानों के लिए बड़ा तोहफा निकल कर आ सकता है। वहीं नकल विरोधी कानून भी सदन में पास होगा। यूपी और हरियाणा की तर्ज पर इस कानून के तहत नकल गिरोह की संपत्ति जब्त कर नीलाम कर दी जाएगी। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर अब देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान भी बीकानेर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, अलवर, धौलपुर में कई जगह बारिश देखने को मिली। 9 फरवरी को भी इस यानी कि आज पश्चिमी विक्षोभ का असर गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, अलवर, धौलपुर और भरतपुर सहित कई जिलों में दिख सकता है। मौसम विभाग की माने तो 10 फरवरी से इस सिस्टम का असर पूरे राज्य में खत्म होगा। तो यही थी फिलहाल आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप अपडेट रहे राजस्थान की बड़ी खबरों से। धन्यवाद।